आइए अब हम आपको एक अनोखे नर्मदा भक्त से मिलवाते हैं। 60 के ये नर्मदा भक्त दो अनोखे तरीकों के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। मिलिए भोपाल के इस संत से। उम्र 60 बरस, जिस उम्र में एक आम इंसान अपने घर में कुर्सी पर बैठकर आराम से चाय पीते हुए अखबार पढ़ना चाहता है, लेकिन अब आप मिलिए संत मुनि वशिष्ठ से। भोपाल के रहने वाले 60 साल के सज्जन मां नर्मदा की दो तरह की परिक्रमा एक साथ कर रहे हैं। पहले दंडवत करते हैं, फिर पैदल चलकर भी करते हैं। इतना ही नहीं, वे केवल और केवल फलों का सेवन कर अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। भोपाल निवासी संत मुनि वशिष्ठ 27 नवंबर 2019 को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें परिक्रमा करने निकले लगभग 50 महीने हो चुके हैं और नर्मदा परिक्रमा पूरी होने में अभी 1.5 साल का वक्त और लग सकता है। मुनि वशिष्ठ सुबह रोजाना 5 बजे से दंडवत परिक्रमा शुरू कर रोजाना 5 से 8 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। खास बात ये कि उनकी ये तीसरी नर्मदा परिक्रमा है। 2018 में फलाहार पर और अब तीसरी परिक्रमा दंडवत प्रणाम करते हुए वे कर रहे हैं। मैंने ये परिक्रमा जो दंडवत है 2019 में 27 नवंबर को स्टार्ट की ओमकारेश्वर से, और इसके पहले मेरी दो परिक्रमाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। 2017 में फलारी हुई और 2019 में मौन परिक्रमा हुई। और जब मौन परिक्रमा हुई, जब ये मैया की इतनी अनुभूति हुई कि माँ ने मौका दिया तो ये दंडवत जरूर करूँगा, तो 2019 में फिर दंडवत मेरी परिक्रमा चालू हुई। संत जहां से भी दंडवत होकर गुजरते हैं, लोगों की भीड़ जुट जाती है। उनकी कठिन तपस्या और परिक्रमा को देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बस सब मां नर्मदा की कृपा है। बहुत सी निकलती हैं, देखी मार महाराज जी जो दंड भांजब जो निकल रहे हैं, जो डबल परिक्रमा कर रहे हैं कि एक बार दंड भांगते जाते हैं, दूसरी बार थैला लेके फिर आने लेने के लिए आती है, फिर जाती हैं, तो अभी तक तो ऐसा परिक्रमावासी हमने नहीं देखा है। मैं दो परिक्रमा में हूँ, एक दंडवत चल रही है मेरी और फिर से रिटर्न जाता हूँ मैं, पीछे अपना बैग लेके आता हूँ और फिर लेके आता हूँ, तो ये दो परिक्रमा मेरी चल रही हैं। तो मैं बोला बहुत असाध्य परिक्रमा है, जो हर किसी को नसीब में नहीं होता, ना हर कोई कर पाता, माता की कृपा है। नर्मदा के किनारे जहाँ भी दंडवत बाबा पहुँच रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण इनका स्वागत सत्कार करते हैं। बाबा की आस्था को लेकर इलाके के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कृष्णा साहू, न्यूज 18, मंडला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।